हेलो गाइज, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इजी गिटार लेसन्स एंड टुडे वी आर गोना लर्न द न्यू सॉन्ग दैट इज कॉल्ड मेरे यार बाय द बैंड द लोकल ट्रेंड। इफ यू रियल लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स सी द सॉन्ग। दिस सॉन्ग इज इन द की ऑफ डी मेजर स्केल। तो कॉर्ड्स आर डी मेजर, डी सस टू। डी सस टू के लिए आपको क्या करना है, यू जस्ट रिमूव योर मिडल फिंगर फ्रॉम फर्स्ट स्ट्रिंग। जो डी मेजर होता है उसमें आप रिमूव करिए बियर मिडल फिंगर, देन दिस इज डी सस टू, देन बी माइनर और बी माइनर सेवन। बी माइनर सेवन के लिए आपको क्या करना है, जो बी माइनर कॉर्ड होता है उसमें से आप रिमूव करिए अपना फिंगर, पिंकी फिंगर, देन दिस इज बी माइनर सेवन। देन एफ सब माइनर, जी मेजर, डी विथ जी। डी विथ जी आपको क्या करना है, जो डी रेगुलर डी मेजर होता है उसमें से आप चेंज करिए बेस फ्रॉम डी टू जी नोट। दिस इज डी, दिस इज जी, ए मेजर एंड ए सेवन। सो इतना ही कॉर्ड्स यूज हुआ है इस गाने में। Let's listen to the song and learn the intro first. So this is the song. यहाँ तक देखते गीत शुरू होता है फ्रॉम द डी सस टू कॉर्ड। लेट्स लर्न द फिंगर पोजिशन फ्रॉम द लीड गिटार। जो रेगुलर रिदम गिटार है उसमें डी सस टू और जी, अंटिल द वोकल कम्स द कॉर्ड्स आर डी सस टू एंड जी। इन लीड गिटार अब क्या करना है, इन डी सस टू यू शुड प्ले फ्रॉम सेकेंड स्ट्रिंग टू फिफ्थ स्ट्रिंग, नीचे से ऐसे। इससे था फिंगर पोजिशन फाइव सेवन सेवन फाइव फाइव फ्रॉम फिफ्थ स्ट्रिंग टिल फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस इज डी सस टू। सो डी सस टू कॉर्ड में आप क्या करना है, यू जस्ट प्ले फ्रॉम सेकेंड टिल फिफ्थ स्ट्रिंग फ्रॉम डाउन डाउन टू अप। और प्ले करने के बाद फिफ्थ स्ट्रिंग में आपको प्ले करना है छह बार, छह बार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। पहले नीचे से अप, फ्रॉम डाउन टू अप, ऐसे इन डी सस टू एंड प्ले द फिफ्थ स्ट्रिंग सिक्स टाइम। यही चीज आपको प्ले करना है कंटिन्यूअसली चार बार। सो ऑल टुगेदर आप क्या करेंगे, यू आर प्लेइंग दिस नोट 24 टाइम्स। आप ये छह बार छह बार छह बार छह बार करके चार बार करोगे, सो द नोट्स इक्वल्स टू 24 टाइम्स आप ये प्ले करेंगे आफ्टर दिस थिंग्स। द मेलोडी नंबर वन कम्स। सो रिदम गिटार देखते द कॉर्ड्स आर डी सस टू, जी, अंटिल द वोकल कम्स द कॉर्ड्स आर डी सस टू एंड जी। जब वोकल स्टार्ट होता है देन ए मेजर भी इंक्लूड होता है। सो लेट्स सी अब क्या करूं।
इतना होने के बाद देयर कम्स द फर्स्ट मेलोडी, लेट्स सी. Let's see the way to play this. Second string 15, first string 17, और 15 से 14 में pull first string. तो क्या होता है, इतना होने के बाद अगेन 17 फ्रेट इन सेकेंड स्ट्रिंग, देन 15. इतना होने के बाद 17 इन सेकेंड स्ट्रिंग एंड 14 इन फर्स्ट स्ट्रिंग. आपको यही चीज प्ले करना है दो बार जो मैंने दिखाया अभी. सो दिस इज इन द लीड गिटार. सो आफ्टर दिस अगेन इन द रिदम गिटार द कॉर्ड्स आर सेम, डी ए जी, डी ए जी. लेकिन लीड गिटार में थोड़ा सा चेंज होता है. नाउ यू नीड योर फिंगर्स, द थ्री फिंगर्स, थंब, इंडेक्स एंड मिडल. एक बार मैं प्ले करूंगा एंड आई विल शो यू. सो लेट्स सी दिस थिंग. तो आपको क्या करना है, जो डी मेजर होता है उसका दो नोट लेना है आपको इन सेकेंड स्ट्रिंग एंड फर्स्ट स्ट्रिंग, दिस टू नोट्स. और आपको प्लग करना है द फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट स्ट्रिंग, ऐसे प्लग करने के बाद स्लैप, ऐसे स्लैप एंड चेंज योर फिंगर फ्रॉम D to this note. This is second string, second fret. और आपको pluck करना है इस बार fifth string, third and second. तो let's see. Slap, slap. Let's see finger position. Your index finger in second fret, third string. और आपका middle finger in sixth string, third fret. और आपको प्लग करना है सिक्स स्ट्रिंग, सिक्स सेकेंड एंड सिक्स थर्ड एंड सेकेंड. शुरू से देखते हैं. इतना होने के बाद आपको प्ले करना है इमीडिएटली सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग थर्ड स्ट्रिंग, सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड एंड ये. लेट्स सी कैसे प्ले करते हैं. जो आप प्ले करेंगे आपको हैमर करना है फ्रॉम ओपन टू सेकेंड स्ट्रिंग इन सेकेंड फ्रेट इन फोर्थ स्ट्रिंग. और आपको प्लग करना है ये दो स्ट्रिंग फोर्थ और थर्ड, ऐसे. लेट्स सी फ्रॉम द बिगिनिंग. इस बार चेंज होता है इन द थर्ड टाइम. शुरू में जो प्ले किया था डी ए जी सेम है, जी के बाद जो आप प्ले करते थे सेकेंड थर्ड, सेकेंड थर्ड, थर्ड सेकेंड. लेकिन इस बार आपको क्या करना है,
again come back to G. इतना होने के बाद come back to D. और आपको प्लग करना है second, first, second, first, second, first, second, first, second. और स्लाइड करना है आपको द डबल स्ट्रिंग जो डी डी मेजर का दो नोट होता है इन सेकंड स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग आपको स्लाइड करना है दो फ्रेट आगे ऐसे दिस इज द थर्ड टाइम एंड अगेन इन द फोर्थ टाइम वही जो शुरू में प्ले किया था वही रिपीट होता है लीड गिटार नाउ लेट्स सी फर्दर तो रिदम गिटार में कॉर्ड चेंज होता है फ्रॉम बी माइनर सेवन एफ सब माइनर डी विद जी एंड ए सेवन सुनता है मेरे यार तू ही सही तो है तुझे तो आप ये कॉर्ड यूज कर सकते हो सुनता है मेरे यार तू ही सही तो है तुझे बुला नाउ लेट्स सी रिदम गिटार में कॉर्ड्स यही प्ले होता है नाउ लेट्स सी द थिंग दैट इज प्लेड इन द लीड गिटार बी माइनर प्ले करना है आपको और फर्स्ट सेकंड थर्ड में प्लग करना है ऐसे ये चीज प्ले किया है बाय टर्निंग ऑन द कोरस पेडल अगर आपके पास कोरस पेडल है देन यू कैन टर्न ऑन योर कोरस पेडल एंड यू कैन प्ले दिस थिंग In the lead guitar, B minor, first, second, third, और आपको slide करना है from B minor to F sub minor, जो यहाँ का bar chord होता है F sub minor, उसमें से आप ये तीन note. Let's see the finger position from fourth to second string, 11, 11 and 10. आपको यहाँ पर ऐसे plucking करना है. ऐसे पहले बी माइनर लेट्स सी द प्लकिंग पैटर्न थर्ड फोर्थ सेकंड इतना प्ले करने के बाद आप स्लाइड करिए योर पिंक फिंगर फ्रॉम 11th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग टू 14th फ्रेट स्लाइड फ्रॉम 11 टू 14 और दो बार स्लाइड के बाद एक बार 12 में दो बार 11 में दो बार फोर्थ स्ट्रिंग 12 में दो बार और फिर 9th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग एक बार इन 11th फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग ऐसे
तो शुरू से देखते हैं। एंड अगेन द सेम थिंग, लेकिन इस बार आपको जो भी मैंने यहां से प्ले किया था वो आपको यहां से प्ले करना है विद द प्लॉकिंग। Let's see this. Let's see this. स्ट्रिंग आपको ये जो बी माइनर होता है उसमें से तीन नोट, ये फोर्थ स्ट्रिंग थर्ड और सेकेंड में 9-7-7, ये तीन नोट लेना है और आपको प्लग करना है। थर्ड फोर्थ सेकेंड। और यहां से अगेन द एफ शार्प माइनर जो पहले देखा था, नाउ लेट्स सी द मेलोडी नंबर टू विच इज क्वाइट सिमिलर टू द मेलोडी नंबर वन। एक बार मैं प्ले करूंगा एंड आई विल टीच यू हाउ टू प्ले। Let's see this. जो शुरू में प्ले किया था वही चीजें, सिर्फ यहां पे चेंज है। ये तो हमने पहले ही देखा था। नाउ लेट्स सी दिस। दिस इज सेकंड स्ट्रिंग 15th फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग 14, ऐसे दो में आपको सेकंड फर्स्ट में आपको ये स्ट्रिंग को सस्टेन करना है ऐसे वाइब्रेटो। एंड अगेन द सेम, लेट्स सी दिस, दो बार इन सेकेंड स्ट्रिंग 15th फ्रेट और 17 से 19 में स्लाइड, 19 में स्लाइड के बाद अगेन एक बार इन 17 फर्स्ट स्ट्रिंग 17 सेकेंड स्ट्रिंग 17 सेकेंड स्ट्रिंग 19। यही चीज आपको दो बार प्ले करना है द होल थिंग। मेलोडी नंबर टू के बाद अगेन द सेम थिंग जो पहले प्ले किया था यहां पर, जो ये लीड गिटार में ये कॉर्ड मेलोडी है ये आप अपने तरीके से प्ले कर सकते हो बाय इम्प्रोवाइजिंग। मैंने भी एग्जैक्टली प्ले नहीं किया है, आई वाज जस्ट इम्प्रोवाइजिंग। और जो कोरस पेडल में कहा था जो ये लीड गिटार का, दिस इज नॉट द ओरिजिनल वन, दिस इज द कॉन्सर्ट वर्जन। जो कॉन्सर्ट में प्ले किया था वही वर्जन मैंने प्ले किया था। ओरिजिनल वर्जन इज क्वाइट डिफरेंट देन द कॉन्सर्ट वर्जन। सो नाउ लेट्स सी द सोलो ऑफ द सॉन्ग। नाउ लेट्स सी द सोलो ऑफ द सॉन्ग। फर्स्ट आई विल प्ले एंड आई विल ब्रेक इट डाउन। Now let's see the way of playing the solo. सबसे पहले आपको क्या करना है, इन द सेकेंड स्ट्रिंग
सेवनवे बेंड, बेंड बेंड के बाद अगेन एक बार प्ले करना है सेवन और नाइन इन थर्ड स्ट्रिंग। उसके बाद नाइन सॉरी सेवन नाइन इन थर्ड स्ट्रिंग, सेवन इन सेकेंड, बेंड रिलीज इन सेवन, नाइन इन थर्ड, सेवन इन थर्ड, हाफ बेंड इन नाइन रिलीज एंड अगेन सेवन। शुरू से देखते यहां तक देखा हमने। नाउ लेट्स सी द फादर, लेट्स सी दिस, नाइन इन फोर्थ स्ट्रिंग, सेवन इन थर्ड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग में नाइन से सेवन में बैक स्लाइड, बैक स्लाइड के बाद फाइव से फोर में पुल। इतना होने के बाद फाइव फोर टू ओपन, आफ्टर दिस इन फिफ्थ स्ट्रिंग फाइव सेवन, फोर्थ स्ट्रिंग फोर सेवन, स्लाइड इन ट्वेल्थ फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग और इलेवन, फोर्टीन सिक्सटीन। आफ्टर दिस देयर इज अ रन, लेट्स सी दिस, फोर्थ स्ट्रिंग में 14 से 16 में स्लाइड, स्लाइड के बाद 14 इन थर्ड स्ट्रिंग, 16 इन थर्ड स्ट्रिंग, 15 इन सेकेंड, 17 सेकेंड, 15 एंड 14 इन फर्स्ट। This is the run. Now let's see this. Fifteen in second string, 12 in first, 14 and 14 a bend, release, 14 first string, 15 इन सेकेंड स्ट्रिंग। इतना होने के बाद बेंड इन 17 सेकेंड स्ट्रिंग में रिलीज और एक बार प्ले करना है इन द 15। आफ्टर दिस ये होता है इसको देखते हैं। थर्ड स्ट्रिंग, 15 इन सेकेंड स्ट्रिंग, 17 में बेंड रिलीज और पुल। रिलीज के बाद सॉरी पुल के बाद एक बार बेंड 17 में और 15 एंड अगेन 16 इन थर्ड स्ट्रिंग, 15 इन सेकेंड स्ट्रिंग, 17 इन सेकेंड स्ट्रिंग, 17 में बेंड
15 इन सेकंड स्ट्रिंग। शुरू से देखते हैं, यहां तक देखा हमने, इन द थर्ड टाइम सेम 16 इन थर्ड, 15 इन सेकंड, 17 में बेंड, बेंड के बाद पहले हम प्ले कर रहे थे 15, लेकिन इस बार 17 में। लेट्स सी फ्रॉम द बिगिनिंग। यहां तक देखा हमने, इसके बाद प्रेस योर फिंगर ऑन 7/7 इन फोर्थ स्ट्रिंग एंड थर्ड स्ट्रिंग। इसे प्ले करना है और पुल फ्रॉम 9/7 इन थर्ड स्ट्रिंग। पुल के बाद बैक स्लाइड फ्रॉम 9/7 इन फोर्थ स्ट्रिंग और 5 में से पुल करना है आपको 4 में, दो बार, और फिर 5/7 में स्लाइड एंड ओपन। सो यहीं पे सोलो खत्म होता है। नाउ लेट्स सी द सोलो स्लोली फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। हमने देखा इस गाना का इंट्रो, हमने कॉर्ड्स भी देखे, वी हैव आल्सो सीन द मेलोडी सेक्शन, हमने कॉर्ड का प्लकिंग भी देखा इन द लीड गिटार, वी हैव आल्सो सीन द सोलो। सो या दोज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग। या आई थिंक दिस सॉन्ग इज ओवर। बाकी ऐसे छोटे छोटे चीजें जो आप यू कैन लिसन टू द सॉन्ग एंड प्ले ऑन योर ओन। सो आई थिंक दैट द मेजर पोर्शन आर कवर्ड इन दिस लेसन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस लेसन में, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो। सो या दैट वॉज द एंड ऑफ द लेसन। इफ यू लाइक दिस लेसन देन प्लीज गिव द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय। आई विल बी बैक सून विद द न्यू वीडियो। सो टेक केयर, हैव फन, कीप रॉकिंग।